तो अक्सर ये बात आती है, हम अक्सर ये बात सोचते हैं कि हमें जिम नहीं जाना है, जिम जो है एक वेस्टर्न कल्चर है, हम अखाड़े में वर्कआउट कर लेते हैं, हम घर में वर्कआउट कर लेते हैं। तो क्या अखाड़ा या जिम से वर्कआउट करने पर हम एक बॉडी बिल्डर बन सकते हैं? तो इसी का जवाब हम आज के इस वीडियो में देंगे। होम वर्कआउट जो होता है, होम वर्कआउट में और जिम वर्कआउट में थोड़ा सा फर्क होता है। तो फर्क ऐसा होता है कि सबसे बड़ा इसमें जो फर्क आता है वो होता है हमारे जिम इक्विपमेंट्स में। जिम में जो वर्कआउट के जो इक्विपमेंट्स होते हैं आपके पास में ज़्यादा होते हैं, घर में आप लिमिटेड स्टॉक ही रख सकते हैं, आप सारे इक्विपमेंट्स को घर में नहीं रख सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा इश्यू होता है। तो आपको सारी एक्सरसाइज को आपके पास में रखे हुए एक या दो सामानों पर ही आपको इसको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और इससे अलग अलग एंगल पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी ट्रेन होती है, एक आप अच्छे फिटनेस को पा सकते हैं। लेकिन वही बात करूं मैं जिम में, तो जिम में आपको विभिन्न प्रकार के जिम इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, और इक्विपमेंट्स को तो अपनी जगह अलग रखें, मेन होता है वेट। देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करते करते हमारी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है एक पर्टिकुलर वेट की, कि हम 10 किलो का डंबल से बाइसेप कर्ल करते हैं, आपका 10 किलो के डंबल से बाइसेप कर्ल की आपकी बॉडी को आदत पड़ गई है, तो एक समय बाद वो प्लेटू हो जाएगी और 10 किलो में उसका मसल्स ब्रेकडाउन नहीं होगा, आपकी मसल्स इतनी हैवी हो चुकी होती है कि 10 किलो से उसको फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी कंडीशन में आपको उससे बड़ा हुआ वेट 15 केजी की जरूरत पड़ती है। क्या आपके पास में ये आइटम है घर पे? यदि है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि नहीं है तो आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 15 भी ले लिया, लेकिन क्या इसके बाद भी तो बॉडी यूज्ड टू होगी? तो जिम में आपके पास में वेट ऑप्शन होते हैं कि आपको जब भी वेट की जरूरत पड़े, एक्स्ट्रा वेट की जरूरत पड़े, तो आप जिम में इसे आसानी से बढ़ा सकते हैं, जो कि आपके घर में अवेलेबल नहीं होता है। वही बात करूं मैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है बॉडी बिल्डिंग में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में हर एक मसल्स पार्ट की, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मसल्स के लिए आपको एक्सरसाइज करना होता है। लेकिन वही एक्सरसाइज को यदि मैं बात करूं कि इस एक्सरसाइज को हमें घर में करना है, तो ये संभव नहीं है। आपके पास में उतने इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं कि आप बॉडी के एक एक पर्टिकुलर पार्ट को हिट कर सको, और यदि कर भी पाते हैं तो आपके पास में उतने एक्सरसाइज के वेरिएशन नहीं हो पाते हैं जो कि एक जिम में आपके पास में आसानी से अवेलेबल होते हैं। इसलिए आप घर में वर्कआउट करते हुए आराम से एक अच्छा फिजिक्स पा सकते हैं, एक फिटनेस गोल को पा सकते हैं। लेकिन जहां मैं बात करूं बॉडी बिल्डिंग, या मैं जिस लेवल की बात करने जा रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा है कि जिम घर में आपका फिटनेस नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा आपका, लेकिन वो लेवल जिसे हम बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, उसे पाना मेरी नज़र में घर में आसान नहीं है। या फिर आप यदि घर में उस लेवल का आपके पास में इक्विपमेंट्स हों जो कि जिम में होते हैं, तब आप इस गोल को पा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जिम वर्कआउट और होम वर्कआउट में जो फ़र्क है, हम जो घर में वर्कआउट है, जो हमारे पास में अवेलेबल स्टॉक जो है जिम इक्विपमेंट्स है, उससे हम बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लायक तो नहीं बन सकते। वही बात करो दोस्तों मैं अखाड़ा की, तो अखाड़ा जो होता है वहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि आज के अखाड़े इतने अपडेटेड हैं कि आपको इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल के अखाड़ों में अच्छे अच्छे सामानों की, वेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपको अखाड़ों में वेट की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अखाड़ा में एक दिक्कत ये होती है कि बॉडी बिल्डिंग में जिस प्रकार इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके पास में प्रॉपर बॉडी के एक एक पार्ट के एक्सरसाइज करने के लिए इक्विपमेंट्स होना चाहिए, वहीं ये चीज़ भी ज़रूरी होती है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए एक प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। और इंडियन अखाड़ा पैटर्न जो है, जिसे हम पहलवानी बोलते हैं, पहलवानी में जो डाइट होती है और बॉडी बिल्डिंग की जो डाइट होती है, ये पूरी तरीके से अलग होती है। पहलवानी में कार्बोहाइड्रेट्स को भी विशेष ध्यान दिया जाता है, एक बहुत ज़्यादा रेशो होता है जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो वर्कआउट करने वाला, जो पहलवानी करने वाला व्यक्ति है, वो भारी हो और हेल्दी हो। उसे लीन मसल्स पे, जिस प्रकार से हम बॉडी बिल्डिंग में ध्यान रखते हैं कि हमारी बॉडी में फैट जो है वो सिंगल डिजिट्स में हो, ताकि हमारे एब्स भी विजुअल हो। एब्स तभी विजुअल होते हैं जब हमारा बॉडी फैट जो होता है वो सिंगल डिजिट्स में होता है। लेकिन पहलवानी में इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता है, ना इस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है कि जहाँ बात ताकत की करें, ताकत के मामले में आपके पास में एक अच्छा खासा बॉडी फैट भी होना ज़रूरी है। और इसीलिए पहलवान और बॉडी बिल्डर, ये दो अलग अलग श्रेणी के लोग होते हैं। पहलवान जो होता है वो एक बल्क व्यक्ति होता है, जिसकी बॉडी का जो बॉडी फैट होता है वो
20 के करीब होता है, 20 से ज़्यादा होता है, वहीं बॉडी बिल्डर जो होता है वो सिंगल डिजिट फैट में होता है। इसलिए सिंगल डिजिट फैट वाला व्यक्ति जो है वो, यदि आप चाहते हैं कि मुझे अखाड़े में रहकर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये संभव नहीं है। आपको जो अखाड़े की डाइट दी जाती है, अखाड़े की डाइट से आप बल्क होंगे, आप हेल्दी पहलवान की तरह होंगे, लेकिन जो बॉडी बिल्डर का जो शरीर होता है, जिस प्रकार से वो शेडेड होता है, उसकी मसल्स वगैरह अलग अलग कटती है, अलग अलग दिखती है, वो संभव नहीं है अखाड़े की डाइट से। क्योंकि अखाड़ा डाइट में पूरी तरीके से फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, प्रोटीन का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। हाई प्रोटीन डाइट वो लोग जरूर लेते हैं, लेकिन साथ में ही हाई कैलोरी फूड्स को भी कंज्यूम करते हैं ताकि उनका शरीर जो है वो अच्छी तरीके से फैट को स्टोर करे, वो उनकी बॉडी में हमेशा ताकत रहे, हमेशा एनर्जी रहे। इसके लिए हाई कार्बोहाइड्रेट्स भी मेंटेन करते हैं। लेकिन वहीं जो हम बात करें कि एक बॉडी बिल्डर जो होता है वो हाई प्रोटीन डाइट मेंटेन करता है, मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट्स को लेता है और सिंगल डिजिट्स में रहने के लिए 20% से ज़्यादा फैट जो है, उसकी जो BMR होता है उसमें 20% से ज़्यादा वो फैट को नहीं ले सकता। इसलिए अखाड़े की डाइट से आप एक बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। तो यदि आपको बॉडी बिल्डिंग ही चुननी है तो आपको जिम ज्वाइन करना होगा और उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो करते हुए अच्छी डाइट और अच्छे रेस्ट के साथ ही यदि आप इस प्रोग्राम को करते हैं तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, अन्यथा आप एक अच्छे बलशाली व्यक्ति रहेंगे अखाड़ा की डाइट से। और जिम में ना करते हुए यदि आप घर में वर्कआउट करते हैं तो एक अच्छा फिटनेस रहेगा आपका, लेकिन बॉडी बिल्डिंग अपने आप में एक अलग फील्ड है, उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल डाइट की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप इसको अचीव कर सकते हैं।